हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मोटो। मैं सुनीत पटेल, आपका दोस्त, आपके अपने परिवार एग्ज़ाम मोटो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने 13 जून 2022 को एक नोटिस जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, जो कि 76 पोस्ट हैं, इनके लिए जो है कि एलिजिबिलिटी रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कट ऑफ मार्क्स जारी किए हैं, जिसके तहत जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं जो पेट का एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, उसी पेट के एग्ज़ाम का ये जो है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क है, उसी पेट के एग्ज़ाम का ये जो नॉर्मलाइज्ड मार्क है, इसी का कट ऑफ जारी किया है, जिससे कि उन चुनिंदा बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। आप देखेंगे जो जनरल लोग हैं, जनरल के लोग यानी अनारक्षित, इनका 86.17, अनुसूचित जाति यानी कि SC के लोग, इनको 83.12, और अनुसूचित जनजाति यानी कि जो ST हैं, इनके लिए कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके लिए कोई पोस्ट इसमें है नहीं। और OBC यानी कि अन्य पिछड़ा आयोग देखेंगे तो 86.17 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 86.17 इनके मार्क्स हो जाते हैं। यानी इतना कट ऑफ मार्क्स यानी इनका जिनका इतना नॉर्मलाइज्ड मार्क है, वो लोग इस सप्लाई इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप। तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित लोग हैं, उनके लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है, तो इनका कोई कट ऑफ जारी नहीं किया। जो विकलांग हैं, जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए 81.56 है। वहीं जो महिलाएं हैं, महिलाओं का 83.97 है, और जो भूतपूर्व सैनिक है या फिर सैन्य वियोजित लोग हैं, इनके लिए है 82.37 कट ऑफ मार्क्स इनके हो जाते हैं। यानी ये रहा इनका कट ऑफ मार्क्स। अब जो जिन लोगों का कट ऑफ इतना होगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क, पेट का एग्ज़ाम का नॉर्मलाइज्ड मार्क इतना होगा, वो लोग इस सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन देना था। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।